हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कंपटीशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में है। आज 19 दिसंबर 2018 वार बुधवार। मेरे प्यारे साथियों, यह करंट अफेयर्स आपके सभी कंपटीशंस एग्जाम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आपने करंट अफेयर्स के लिए हमारा चैनल यूवी कंपटीशंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशंस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं तो राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अनअकैडमी पर हमें फॉलो करें। अनअकैडमी पर फॉलो करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ करंट अपडेट्स, रिक्रूटमेंट नोटिस, क्विज और हेल्प सेंटर के लिए आप यूवी कंपटीशंस जो कि इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज राष्ट्रीय समाचारों की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स वर्थ अबाउट 41,000 करोड़ रुपीज इन महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में 41,000 करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचे और आवास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू एनेक्ट ए ला बैनिंग सेक्सुअल एक्सप्लोइटेशन ऑफ वुमेन बाय दोज इन पोजिशन ऑफ अथॉरिटी हैविंग ए फिड्यूशियरी रिलेशनशिप और ए पब्लिक सर्वेंट अंडर सेक्शन 354E ऑफ द रणबीर पैनल कोड RPC। रणबीर दंड संहिता RPC की धारा 354E के तहत जम्मू कश्मीर प्रभावशाली पदों पर आसीन व्यक्तियों, जिम्मेदार व्यक्तियों या जनसेवकों द्वारा महिलाओं के यौन शोषण पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट्स नियुक्ति। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड एडवोकेट माधवी दीवान एज द एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ESG टू रिप्रेजेंट इट इन द सुप्रीम कोर्ट। दीवान इज द थर्ड वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज ESG इन द टॉप कोर्ट। केंद्र सरकार ने वकील माधवी दीवान को सर्वोच्च न्यायालय में प्रतिनिधित्व करने के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ESG के रूप में नियुक्त किया है। दीवान सर्वोच्च न्यायालय में ESG के रूप में नियुक्त होने वाली तीसरी महिला है। नेक्स्ट, स्टार इंडिया चेयरमैन एंड CEO उदय शंकर हैज बीन इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की फॉर 2018-19। स्टार इंडिया के चेयरमैन और CEO उदय शंकर को 2018-19 के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की का उपाध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट, अवार्ड्स पुरस्कार। पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस हैज मेड इट टू द ऑस्कर शॉर्ट लिस्ट इन द डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी। दिस इज ए फिल्म अबाउट वुमेन इन इंडिया फाइटिंग अगेंस्ट द डीपली रूटेड स्टिग्मा ऑफ मेंसुरेशन एंड डेल्विंग अपॉन द वर्क ऑफ रियल लाइफ पेड मैन अरुणाचलम बुरु गंतम। पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस को डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट श्रेणी में ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। ये भारत में महिलाओं के मासिक धर्म की गहरी जड़ें और वास्तविक जीवन पैडमैन अरुणाचलम मुरु गंतम के कार्य पर विचार करने के बारे में एक फिल्म है। नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूज, खेल समाचार। द 37th सीनियर नेशनल रोविंग चैंपियनशिप began in the Army Rowing Node in Pune. Around 1500 rowers and coaches from various rowing associations across the country are taking part in the championship. 37th Senior National Rowing Championship Pune में सेना रोइंग नोड में शुरू हुई। पूरे देश में विभिन्न रोइंग संघों के लगभग
500 रावर्स और कोच चैंपियनशिप में भाग ले रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। यदि आपको हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो लाइक करें, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है, वो कमेंट करें। यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ हमें अनअकैडमी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।